वेलकम बैक फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले इसका रूल जान लेंगे। इसमें दो प्रकार के रूल आप देखेंगे। पहला सबसे पहले इसमें रूल है डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा क्वेश्चन वर्ड जैसे हाउ वेयर व्हेन ये सब होते हैं प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसे संबंधित हम कुछ रूल देख लेते हैं। आज का हमारा पहला रूल है, पहला उदाहरण है, क्या तुम गाली नहीं देते हो? क्या तुम गाली नहीं देते हो? क्या तुम गाली नहीं देते हो? अब इसमें ये पहला वाला रूल इसमें काम करेगा। तो इसमें पहले वाला रूल ने बताया है कि पहले डू या डस प्रयोग करेंगे। यहाँ पे तुम का होती है यू और यू होता है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब बोला है सब्जेक्ट तुम है, तुम का होता है यू। नॉट मतलब आपकी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे गाली देना, यहाँ पे वर्ब है गाली देना, और गाली देना क्या होती है अब्यूज, ना कि यू अब्यूज। अब्यूज का मतलब ही होता है गाली देना। डू यू नॉट अब्यूज सेंटेंस हो गया, क्या तुम गाली नहीं देते हो? डू यू नॉट अब्यूज। दूसरा सेंटेंस, वाह बाइक वह बाइक क्यों नहीं चलाता है? वह बाइक क्यों नहीं चलाता है? तो इसमें ये वाला प्रयोग करेंगे हम। तो इसमें मैंने बताया क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्यों का होता है वाई। हम वो लिख देते हैं वाई। अब बोला है डू या डस, यहाँ पे वह है, वह होता है ही, और ही सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ लोग डस का प्रयोग करते हैं वाई डस। अब बोला है सब्जेक्ट हमारा वह है, वह क्यों होता है ही, वाई डस ही नॉट, वाई डस ही नॉट, वाई डस ही नॉट। अब यहाँ पे वर्क फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे चलाना है, यहाँ पे वर्क चलाना है, चलाना भी होती है राइड ना कि ड्राइव। ड्राइव मतलब क्या भैया चलाना, राइड मतलब साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना। Why does he not ride? ऑब्जेक्ट हमारा बाइक, राइड बाइक। Why does he not ride bike? चलिए अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण है हमारा मम्मी और अल्लाह ताला भाई, मम्मी कैसे खाना नहीं पकाती हैं? मम्मी कैसे खाना नहीं पकाती हैं? तो यहाँ पे ये वाला प्रयोग करेंगे, मम्मी कैसे खाना नहीं पकाती हैं। तो यहाँ पे हमारा है पहला क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कैसे कैसे की होता है हाउ। अब यहाँ पे डू या डस
यहाँ पे मम्मी है, मम्मी सिमिलर होता है तो मम्मी के साथ हम डस का प्रयोग करेंगे। हाउ डस, अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे मम्मी है, मम्मी का होता है मदर। हाउ डस मदर, अब नॉट, हाउ डस मदर नॉट, पकाना, पकाना का होता है कुक। हाउ डस मदर नॉट कुक, खाना का होता है कुक। हाउ डस मदर नॉट कुक फूड, हो गया हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। अच्छा, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि इसमें ये वाला रूल लगेगा, इसमें ये वाला रूल लगेगा। देखिए सिंपल तरीके समझा रहे हैं। जैसे हमने कहा क्या तुम खाना खाते हो, उसने कहा हाँ ना, जिसमें हाँ या ना में जवाब दे दिया जाए उसमें पहला रूल लगाएंगे। और हमने कहा तुम कैसे खाना खाते हो, यहाँ पे हाँ या ना कहेंगे तो एक थप्पड़ खींच के मारेगा कि कहेगा हाँ या ना क्या कह रहे हो। तो इसमें हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे दूसरा वाला रूल लगेगा, इसमें हमको पूरी बात बतानी पड़ेगी, हाँ या ना से काम नहीं चलेगा। तो हम अब हम चौथा देखते हैं अपना उदाहरण। दादाजी चाय नहीं पीते हैं, क्या दादाजी चाय नहीं पीते हैं। तो अब उसमें हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, क्या दादाजी चाय नहीं पीते हैं, हाँ नहीं जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहला रूल प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दादाजी, दादाजी होते हैं सिंगुलर, सिंगुलर के लिए हम डस का प्रयोग करते हैं डस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे हो दादाजी, दादाजी क्या होता है ग्रैंडफादर, लिख लेते हैं डस ग्रैंडफादर, डस ग्रैंडफादर। अब बोला है नॉट, नॉट का लिख लेते हैं। अब चाय पीना की होता है टेक की, ना कि हम यहाँ पर ड्रिंक लगाएंगे। चाय या पानी दोनों पीने के लिए हम लोग टेक का प्रयोग करते हैं, नॉट टेक टेक। Does grandfather not take tea? क्या दादाजी चाय नहीं पीते हैं? चलिए अपना चौथा एग्जांपल देख लेते हैं। आप रोज क्यों नहीं नहाते हो, आप रोज क्यों नहीं नहाते हो, हाँ ना, हाँ ना से काम नहीं चलेगा। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि रोज क्यों नहीं नहाते। तो यहाँ पे हम दूसरा प्रयोग करेंगे, आप रोज क्यों नहीं नहाते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्यों है, क्यों का होता है वाई, हम तो लिख देते हैं वाई। अब बोला है कि डू या डस, अब यहाँ पे आप है, आप होता है प्लूरल, आप क्यों होता है यू, यू होता है प्लूरल, प्लूरल के साथ हम लगाते हैं डू, वाई डू। अब बोला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है आप, तो आप क्यों होता है यू, यू लिख देते हैं, why do you not, why do you not। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब है नहाना और नूली भी है, टेक बाथ
why do you not take bath? अब यहाँ पे हमारा रोज ऑब्जेक्ट रोज का होता है डेली. Why do you not take bath? Why do you not take bath? डेली. तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये मेरे छोटी सी क्लास आपको जरूर अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.